Hi guys, many of you must be speculating. The ambassador who's wearing a number 7 jersey. Of course it's me. IPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से महेंद्र सिंह धोनी ने आरसीबी के प्लेयर्स से हैंडशेक करने को मना कर दिया था और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी वापस अपने ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे, जिसके बाद फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आरसीबी और विराट कोहली काफी लंबे टाइम तक सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके बाद एमएसडी ने फील्ड के ऊपर उतना वेट करना ठीक नहीं समझा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और मोस्ट प्रोबेबली ये उनका आखिरी मुकाबला था, जिसके चलते वो इस हैंडशेक को किए बिना छोड़कर चले गए। इस मामले में अब धोनी ने फाइनली खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी मुकाबला है या फिर नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आरसीबी की टीम काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया बल्कि टाइटल जीत लिया हो, और ऐसे में 2-3 मिनट वेट करने के बाद मुझे यही सही लगा कि मैं वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाऊं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना धोनी के इस जेस्चर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।